हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजय है और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है कैंगेन बिजनेस मॉड्यूल के बारे में। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ बिजनेस मॉड्यूल की ही बात करने वाले हैं। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, प्रोडक्ट के डेमो आप देखना चाहते हो, क्या क्या उसका बेनिफिट है, तो वो सारे यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो पहले तो कंपनी का जो अलग अलग मॉडल है उस पर अलग अलग कमीशन मिलता है। तो कमीशन का शार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कौन सी मशीन पे कितना कमीशन मिल रहा है वो शार्ट आपको यहाँ पे दिख जा रहा है। तो इसमें जो एक मशीन है SD501, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मशीन है। तो हम जो पूरा बिजनेस कैलकुलेशन करेंगे वो इसी मशीन के बेस पे करेंगे। तो पहले समझते हैं मशीन की जो वैल्यू है 2.77 लाख, मतलब कि 2,77,000। उसमें से कंपनी अप्रोक्सीमेटली 38% मतलब कि 1,04,000 कंपनी हमको प्रोवाइड करती है, मतलब जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उसको प्रोवाइड कर देती। तो उसमें कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो 8 पॉइंट का बिजनेस मॉड्यूल है। उसमें जो एक पॉइंट की वैल्यू वो है 13,000, 1 पॉइंट इक्वल टू 13,000 इंटू 8 करें, 8 पॉइंट कंपनी का मॉड्यूल अगर हम 8 करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा 1,04,000। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 38,000 कंपनी हमको, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको प्रोवाइड कर देती है। तो इसी के बेस पर हम गिनेंगे, और कंपनी का 8 पॉइंट बिजनेस मॉड्यूल है उसमें से 1 पॉइंट की वैल्यू 13,000 है, उसी पर हम सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। और कंपनी का जो मॉडल है वो है SD501, राइट। तो अभी इसको पूरा इरेज कर देता और मैं आपको बिजनेस प्लान बताता हूँ। तो सपोज मान लो कि सबसे पहले आके एक मशीन लेते हो, तो आप यहाँ पे हो, आपने एक मशीन लिया, मतलब आपने एक यहाँ पे आप यू हो, बराबर। उसके बाद आप पहला मशीन सेल कर दो, आपके नीचे आप डायरेक्ट सेल किसी को भी कर दो, एक मशीन सेल कर दो, तो यहाँ पे आपके एक लाइन ओपन होगी, उसका नाम होगा 1A। 1A में आपको ए व्यक्ति को आप मशीन सेल करते हो, बराबर। तो डायरेक्ट आपका सेल हुआ, डायरेक्ट सेल हुआ मतलब आपको कितना पॉइंट मिलेगा, ये 1A की लाइन है, 1A की लाइन मतलब 1 पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट मतलब आपको कितना कमीशन मिलेगा, 13,000 की आपको एक बार कमीशन मिलेगा क्योंकि 1 पॉइंट है। तो बाकी के 7 पॉइंट बचे उसका क्या होगा, तो 7 पॉइंट जो है आपके ऊपर की जो लाइन होगी उसको चला जाएगा। ऐसे ही तरह आप सपोज मान लो आप दूसरा कोई मशीन सेल करते हो, तो यहाँ पे आपका ये दूसरा मशीन सेल हुआ, वो आप बी व्यक्ति को, अब बी व्यक्ति को सेल करते हो, वह भी आपकी लाइन जो होती है वो 1A लाइन होती है। तो 1A लाइन मतलब आपको कितना पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 13,000। तो दूसरा भी आपको 13,000 मिलेगा, और जो 7 पॉइंट बचेगा वो कहाँ पे, आपकी जो ऊपर की लाइन होगा, आपकी जो ऊपर के साइड लोग है उसको चला जाएगा। उसके बाद जो आपके नीचे दो मशीन हो जाए, उसके बाद आप तीसरी लाइन भी खोल सकते हो, और तीसरी लाइन आप खोलोगे तो वो होगी लाइक सपोज मतलब सी बंदे को आप मशीन सेल करते हो, ये जो लाइन होती है उसको 2A लाइन बोल सकते हैं। 2A लाइन मतलब आपको 2 पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट मतलब कि 1 पॉइंट की वैल्यू है 13,000 और 2 पॉइंट मतलब 26,000। अगर आप ये लाइन में किसी को मशीन सेल करो, 26,000 आपको एक मशीन के सेल पे मिल सकता है। तो ये आपके नीचे तीन मशीन हो गए। अगर सपोज मान लो ए बंदा किसी को मशीन सेल करता है, कोई दूसरे ए बंदे को सेल करता है, तो उसकी कौन सी लाइन हुई, 1A लाइन। 1A लाइन मतलब इसको कितना पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट मतलब इसको 13K मिलेगा। उसके ऊपर आप हो, मतलब आपकी कौन सी लाइन में है, 1A की लाइन में, तो आपको भी 13K मिलेगा। बाकी के जो 6 पॉइंट बचे वो आपकी ऊपर की साइड चले जाएगा। इसी तरह सेम ए भी बंदा कोई है, ए बी बंदा कोई दूसरे बी बंदे को, मतलब इसकी भी कौन सी लाइन हुई, 1A लाइन। यहाँ पे सेल किया उसने तो 1 पॉइंट इसको मिल जाएगा, मतलब 13K इसको मिल जाएगा, और बाकी के 13K आपको मिलेगा और बाकी के 6 पॉइंट ऊपर चलाएंगे। इसी तरह सपोज मान लो कोई सी बंदा है, वो यहाँ पे किसी को मशीन सेल करता है, तो इसकी ये आपकी कौन सी, यहाँ पे इसकी तो 1A लाइन होगी क्योंकि इसका ये पहला मशीन है, पहला मशीन मतलब 1A लाइन ओपन होती है। यहाँ पे आपका पहला मशीन था तब 1A लाइन ओपन हुई थी, तो इसका तो पहला मशीन 1A लाइन हो गया, मतलब इसको कितना मिलेगा, 13K मिलेगा। और आपकी कौन सी लाइन है, 2A की लाइन है, 2A की लाइन मतलब आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, 2 पॉइंट मतलब कि आपको 26K मिलेंगे। बाकी के इतने 5 पॉइंट बचे, जो 5 पॉइंट है वो ऊपर की साइड चला जाएगा, पर आपको कितना मिलेगा, 26K मिलेगा। तो इसी तरह ए लाइन में कोई भी आपके नाम, सपोज मान लो ये बंदा यहाँ पे C1 दूसरा कोई बंदे को सेल करता, तो इसको 1 पॉइंट मिलेगा, आपको 2 पॉइंट मिलेगी। इसी तरह आपका चलता जाएगा, इसी तरह आपका यहाँ पे मशीन सेल होता है। तो आपके नीचे सपोज मान लो यहाँ पे 10 मशीन टोटल, ये सारा तीनों लाइन मिलाकर 1A लाइन, 1A एंड 2A, ये तीनों लाइन मिला के आपके नीचे 10 ग्रुप सेल बोलते हैं इसको। ग्रुप सेल मतलब कि आपका अकेला का सेल नहीं, ग्रुप सेल, ए बंदे ने सेल किया वो भी आपके नीचे काउंट होगा, ए बंदे ने सेल किया वो भी काउंट होगा, ए बंदे ने सेल किया वो भी काउंट होगा। टोटल 10 मशीन सेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप चौथी लाइन ओपन कर सकते हो, वो लाइन है यहाँ पे सपोज मतलब डी बंदे को सेल करते हो, और लाइन है 3A,
3A मतलब सिंपली अगेन वापस आ गया 3A, मतलब कि 3 पॉइंट आपको मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पे 3 गुना कमीशन मिलेगा आपको, कि यहाँ पे आपको 13,000 मिलता था, यहाँ पे 26,000 मिलता था, यहाँ पे 3A मतलब कि 39K आपको कमीशन मिलेगा यहाँ पे आपकी 3A लाइन में, तो आपको 39 मिल गया, बाकी के 5 पॉइंट जो बस है ऊपर चला जाएगा। इसी तरह इसी लाइन में कोई भी मशीन सेल होता है आपके नीचे, यहाँ पे एक मशीन सपोज मान लो डी सेल होता है, तो इसकी तो 1A लाइन होगी, मतलब इसको 1 पॉइंट मिल जाएगा 13K, इसको मिल जाएगा 39K आपको मिल जाएगा, और बाकी के जो पॉइंट बचे वो ऊपर की सेल से ले जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे पहले आपके 10 लोग थे, 11वां मशीन यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे सेसी 3A लाइन, तो मतलब ये सारो लाइन मिलाकर आपके नीचे अगर 20 मशीन हो जाए, 10 लोग थे और दूसरे 10 लोग को आप ऐड कर देते हो, तो आप एक 5वीं लाइन खोल सकते हैं, 5वीं मतलब 5th लाइन खोल सकते हैं, ई लाइन मान लो, सपोज मान लो आप डी के बाद ई लाइन खोल रहे हो, वो आपकी लाइन होगी 4A लाइन होगी। 4A मतलब आपका कितना पॉइंट मिलेगा, 4 पॉइंट मिलेगा, मतलब आपका कमीशन कितना हो जाएगा 52K, मतलब आपके नीचे कोई भी यहाँ पे कोई भी मशीन सेल हो ये इस लाइन के नीचे आपके लाइन के नीचे, तो आपको कितना कमीशन मिलेगा 52K, वो कब तक मिलेगा 8 पॉइंट तक। सपोज मान लो कि यहाँ पे आपने ये बंदा ने किसी के एक को मशीन सेल किया, बराबर यहाँ पे उसने यहाँ पे सेल किया, ए 1A की लाइन थी, ए भी 1A की लाइन थी, यहाँ पे सपोज मान लो ए भी 1A की लाइन है, वैसे ऐसे ही चल रहा ग्राफ, यहाँ पे भी 1A की लाइन थी, तो इसको 1 पॉइंट मिला गया, मतलब कितने 7 पॉइंट बचे, इसको 1 पॉइंट चला गया मतलब कितने 6 पॉइंट बचे, इसको 1 पॉइंट चला गया 5 पॉइंट बचे, इसको 1 पॉइंट प्लस चला गया मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट बचे, और आपका यहाँ पे कितना पॉइंट मिलने वाला है आपको, आपकी ये लाइन है 4A की लाइन, मतलब आपको 4 पॉइंट मिला, तो यहाँ पे आपको 4A पॉइंट, चार जो पॉइंट है वो चारों के चारों पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ऊपर की साइड कोई भी पॉइंट नहीं जाएगा। सपोज मान लो यहाँ पे और एक सेल हो गया, तो यहाँ पे इसको लाइक इसको 1 पॉइंट चला गया, तो यहाँ पे 7 पॉइंट बचे, 7 पॉइंट था वो 6 पॉइंट बचे, ऐसे ऐसे कम होता जाएगा, तो मतलब यहाँ पे सपोज सेल ले मान लो, तब कितने पॉइंट बचेंगे, 4 की बदले 3 पॉइंट बचेंगे, तो आपको 4 पॉइंट नहीं मिलेंगे वहाँ पे, आपको 3 ही पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि 8 पॉइंट मॉड्यूल है, कितना टोटल मैक्सिमम कितना पॉइंट आपको मिल सकता है, 80 पॉइंट मिल सकता है। तो जैसे जैसे और पॉइंट कैसे मिलता है, नीचे से लेके ऊपर तक मिलता है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, सबको मिलता गया और जितना ऊपर बचा इतना ऊपर तक, जितना जा सकता है इतना ऊपर तक जाएगा ये, बाकी स्टार्ट नीचे से ही हो गया इसी तरह। तो समझ आ गया 8 पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है। अब मैं ये लाइन को ऐसे मतलब समझने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, ये तो समझाने के लिए ड्रॉ किया था मैंने। तो अभी क्या हुआ, आपकी 4A लाइन ओपन होगी, तो यहाँ पे 3A लाइन तक आपके 20 मशीन हुए थे, और 30 मशीन और मतलब कि आप 50 मशीन, 1, 2, 3, 4, 5 आपकी 5 लाइन है, और आपका ग्रुप सेल मतलब जितने भी इतने सारा मिलाकर आपके नीचे अगर 50 मशीन हो जाए, तो आप एक और लाइन ओपन कर सकते हो, वो लाइन है ये यहाँ पे DEF को कर सकते हो, वो लाइन है 5A। तो सिंपली इसका मीनिंग समझ आ गया, आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 5 पॉइंट मिलेंगे आपके एक लाइन के नीचे जितने भी सेल हो गए, आपको यहाँ पे 5 पॉइंट मिलने वाले हैं, और पॉइंट कैसे मिलेंगे, नीचे से ऊपर की साइड, तो नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर जितना आपके तक पहुँच सकेगा इतना सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही सेम चीज़ है ये 5A, उसके बाद इसे ये सारा मिलाकर आपका अगर 100 मशीन हो जाए, ये सारे आपके नीचे मिलाकर सारे 100 मशीन हो जाए, तो 101 जो आपका मशीन होगा जी मशीन जो आपका नीचे का होगा, वो यहाँ पे 6 से आप ओपन कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जो आपका 101 का जो मशीन होगा वो आप यहाँ पे मतलब जी यही मशीन जो है 101 का मशीन है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो 6A लेवल है ना, वो कंपनी का एक बेसिक लेवल है, अगर आप 6A बनते हो तो कंपनी आपको $3,000 ये आपको वन टाइम, कंपनी आपको वन टाइम बोनस देती है, $3,000 वन टाइम बोनस मिलता है, और ये आपकी 6A की लाइन है, 6A की लाइन मतलब आपका 6 पॉइंट आपको मिलेगी, मतलब कि 78,000 अगर आप कोई भी मशीन इस लाइन के नीचे सेल करते हो, लाइक यहाँ पे अगर जी को सेल किया, यहाँ पे आपको Z1 ने सेल किया, तो यहाँ पे जो भी है लाइक इसको 1 पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि इसकी तो 1A लाइन ही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, और बाकी के पॉइंट बस उस पर आपको 6 पॉइंट आपको मिलेंगे, 6 पॉइंट मतलब 78,000, मतलब आप 2.77 लाख का, जो अपना मशीन की प्राइस कितनी थी 2,77,000, तो 2,77,000 का एक मशीन सेल करने पे आपको 78,000 मिलेंगे, 6A की लाइन में अगर आपके नीचे को ऐड है तो आपको 78,000 मिलेगा।
शिक्षक के साथ ही मेरे, जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी का बेसिक लेवल है, तो वापस से मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा था, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा था वापस से मतलब वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले आपने कोई मशीन लिया, उसके नीचे आपने पहला में सेल किया मतलब कौन सी लाइन में आएगा, 1A की लाइन में। दूसरा आपने कोई सेल किया वो कौन सी लाइन में आएगा, 1A की लाइन में। तीसरा आपने कोई सेल किया तो कौन सी लाइन में, 2A की लाइन में, मतलब आपको 2 पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये 2A सारा मिलकर आपके नीचे कितने सेल होने चाहिए, 10 सेल। ये आपके नीचे टोटली 10 सेल हो गए, तो आप 11वां मशीन यहाँ पे 3A की लाइन में मूक सकते हो। और 3A ये आपके 4 लाइन होगी, वो सारा मिलाकर 20 मशीन हो जाए, तो आप कौन सी लाइन ओपन कर सकते हो, 4A की लाइन। अगर 4A के साथ वो सारा मिलाकर, ये तो आपको काउंट हो गया 20 प्लस 30, ऐसे अलग से 50 नहीं, 20 प्लस 30 मतलब टोटल 50 मशीन करना है। 20 तो ऑलरेडी आप हो, प्लस 30 करना है, तो 50 मशीन आपके नीचे हो जाएगा 4A की लाइन के नीचे। तो आप कौन सी ओपन कर सकते हो, 5A की लाइन ओपन कर सकते हो। और 5A उसके नीचे आपको 100 मशीन हो जाए टोटली, से 50 मशीन थे और प्लस 50 मशीन और, मतलब 100 मशीन आपके नीचे हो गए, तो आप बेसिक 6 से बन जाओगे। तो अभी इसके बाद का क्या है, जो गैंगन कैरियर पाथ है वो सारा समझने वाला है, तो इसको मैं पूरे पहले इरेज कर देता हूँ। ओके, तो पुराना वाला मैंने पूरा हटा दिया है, और अभी आप क्या बन गए हो, 6 से बन गए हो। 6 से मतलब आपके नीचे 100 मशीन सेल हो गया, मतलब आप क्या बन गए, 6 से बन गए। आपके नीचे ऐसी ऐसी अलग अलग लाइनें थी, राइट, आपने देखा था आपके नीचे अलग अलग लाइनें थी। तो उसके बाद कंपनी का अलग अलग लेवल होता है। 6 से लेवल पहला बेसिक लेवल बताया मैंने, उसके बाद 6 से 2 आता है, 6 से 2-2 आता है, 6 से 2-3 आता है, ऐसे करके 6 से 2-S, ऐसे कंपनी के अलग अलग लेवल आते हैं। तो अगर आप पहले 6 से तो आप बन गए हो बराबर, उसके आपको कितना मिला, $3,000 वन टाइम बोनस मिला। कमीशन तो आपको मैंने जो पॉइंट सिस्टम समझाया उसके बेस पे आपको मिलता रहेगा, पर ये $3,000 क्या था, वन टाइम बोनस था, तो वो भी आपको मिल गया। उसके बाद आपको 6 से 2 बनना है, तो 6 से 2 बनने के लिए आपके नीचे अलग अलग यहाँ पे 7 लाइन थी, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अभी 4 ही लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो आपके यहाँ पे 6 से बन गए हो। उसके बाद आपकी कोई दो अलग अलग लाइन में, ए बी लाइन हो सकती, दो अलग अलग लाइन में कोई भी बंदा 6 से बनेगा। यहाँ पे कोई बजो एक था बंदा, वो 6 से बन गया, और यहाँ पे कोई सपोज मान लो वाई बंदा था, वो भी 6 से बन गया। अगर आपकी कोई दो अलग अलग लाइन में 6 से बन गया दो लोग, तो आप बन जाओगे 6 से 2। तो 6 से 2 बनने पे कंपनी का आपको $6,000, ये वन टाइम है, वन टाइम आपको $6,000 का आपको बोनस मिलेगा। कब, 6 से 2 बनने पे। अब उसके बाद का कंपनी का लेवल है 6 से 2-2, मतलब कि आप यहाँ अभी आप क्या बन गए, 6 से 2 बन गए। तो आपको 6 से 2 बनने के लिए क्या होगा, आपकी कोई भी दो अलग अलग लाइन में बराबर, तो यहाँ पे आप 6 से थे, यहाँ पे एक 6 से था, इसके नीचे कोई दो लोग हो गए, मतलब यहाँ पे कोई एक 6 से बनेगा, यहाँ पे कोई 6 से बनेगा, तो ये बंदा क्या बन जाएगा, 6 से 2 बन जाएगा। यहाँ पे भी इसके नीचे भी कोई सपोज मान लो कोई दो अलग अलग लाइन में, इसकी भी अलग अलग लाइन होगी, इसमें से दो अलग अलग लाइन होगी, इसमें से कोई दो लाइन में, यहाँ पे एक 6 से बन गया, यहाँ पे भी एक 6 से बन गया, तो ये बंदा क्या बन जाएगा, 6 से 2। तो आपकी कोई भी दो अलग अलग लाइन, मतलब आपकी एक लाइन होगी, ये अलग लाइन होगी, दो अलग अलग लाइन में कोई 6 से 2 दो बंदे हो गए, तो आपका प्रमोशन क्या हो जाएगा, 6 से 2-2, मतलब आप क्या बन जाओगे, 6 से 2-2। 6 से 2-2 बनने पे कंपनी आपको $12,000 वन टाइम बोनस देती है। अभी 2 बनने के बाद कंपनी का दूसरा एक लेवल है, वो 3 है, 6 से 2-3। तो ऐसे ही सेम तरह यहाँ पे कोई मतलब दो बंदे 6 से 6 से बन जाएंगे, तो ये बंदे का प्रमोशन हो जाएगा, ये 6 से था, ये क्या हो जाएगा, 6 से 2 हो जाएगा, ये भी 6 से 2 हो जाएगा, यहाँ पे उसके नीचे प्रमोशन हो गया, मतलब 6 से 6 से की अलग अलग लाइन, ऐसे दो दो सबके नीचे 6 से बन गए, ए बन गए, तो ये 6 से था, क्या बन जाएगा, 6 से 2, ए भी 6 से 2 बन जाएगा, ए भी 6 से 2, ए 6 से 2, मतलब ए 6 से 2 6 से 2, मतलब इसके ऊपर वाला बंदा 6 से 2 था, वो क्या बन जाएगा, 6 से 2-2 बन जाएगा। इसके ये दो 6 से 2 6 से 2, ये दो बंदे हुए थे, उसके ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो ये 2-2, इसके ऊपर वाला बंदा 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो भी आप 2 थे वो आप 3 बन जाओगे, तो 3 बनने पे कंपनी का आपको $25,000 ये वन टाइम मिलता है, एंड $5,000 लाइफ टाइम मिलता है, एंड $5,000 आपको लाइफ टाइम मिलता है, और आपकी उसके बाद की जनरेशन को भी ऐसी ट्रांसफर होती है, तो आपको $5,000 लाइफ टाइम मिलता रहेगा। उसके बाद कंपनी का जो लेवल है 4 का लेवल है, 4 बनने पे कंपनी आपको $50,000 ये वन टाइम मिलेगा, एंड $10,000 ये लाइफ टाइम मिलेगा, मतलब एवरी मंथ आपको मिलता जाएगा। अब अगर ये कमीशन स्टार्ट हुआ तो ये जो 5,000 वाला कमीशन था ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये कमीशन भी मिलता रहेगा और ये कमीशन मिलेगा, नहीं, 5,000 वाला था बंद हो जाएगा और ये 10,000 वाला कमीशन आपको स्टार्ट हो जाएगा।
ओके, इसी तरह आप आगे बढ़ते गए, आप 6A2, 6A-3, 6A-4, 6A-6, 7 और 8 तक पहुंच गए। तो 8 पर पहुंचने पे आपको $8,00,000, 1, 2, 3, 4, 5, $8,00,000 आपको वन टाइम मिलेगा एंड $80,000, 1, 2, 3, 4, ये आपको लाइफ टाइम मतलब एवरी मंथ आपको लाइफ टाइम के लिए $80,000 मिलता रहेगा। $8,00,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 CR समथिंग हुआ, अप्रोक्सीमेटली अगर हम डॉलर को 70 पे भी काउंट करें, 70 रुपीज पे भी, तो अभी अप्रोक्सीमेटली 5 crore हुआ। तो ऐसे ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, तो मतलब 6A बनते हो आप 6A, तब आपके नीचे 100 मशीन होगी। अगर आप 6A2 बनते हो तब आपके नीचे मिनिमम 200 मशीन होगी। 6A2-2 बनते हो तब आपके नीचे अप्रोक्सीमेटली 400, मिनिमम 400 मशीन तो होगी। उसके बाद आप 3 बनते हो तो इसी तरह 800 होगी, इसी तरह 1600-3200, और इसी तरह अगर आप 6A2-A बनते हो तो आपके नीचे अप्रोक्सीमेट मतलब मिनिमम 25,800 मशीन होगी, 25,800 आपके नीचे मशीन सेल हो जाएगी, तब 6A2-8 बन सकते हो। तो एक बार मैं वापस से आपको स्पीड में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप सपोज मान लो आप पहले 6A बन गए, उसके बाद आपकी दो अलग अलग लाइन में ए भी लाइन हो सकती है, तो आपकी दो भी अलग अलग लाइन में 6A-6A बनेंगे तो आप बन जाओगे 6A2 बन जाओगे, पहले तो 6A2 बन जाओगे। उसके बाद इसका जो प्रमोशन होगा ये दोनों का, 6A2-6A2 ये दोनों बन जाएंगे तो आप बन जाओगे 2 बन जाओगे, और उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन होता रहेगा लाइक 3, उसके नीचे जो ऐड होगा तो वापस से उसका प्रमोशन हो जाएगा। इसी तरह फाइनल स्टेज पे पहुंच जाओगे 6A2-S। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, तो आपकी कुछ भी क्वेरी हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। इसके अलावा भी कंपनी का और भी लाइक ग्रुप सेलिंग है तो उसका बोनस मिलता है, क्वार्टरली कुछ बोनस मिलता रहता है, तो वो सारी चीज़ भी मिलती रहेंगे। तो आपको कोई भी क्वेरी है ये भी जानना चाहते हो कितना क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।